नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एनआईएन ने 28 सितंबर को देश की खान पान की आदतों पर एक रिपोर्ट जारी की है, व्हाट इंडिया ईट्स यानी भारत क्या खाता है। टाइटल से प्रकाशित इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के शहरों और गांवों में खान पान से जुड़ी आदतों में एक बहुत बड़ा गैप है। यह रिपोर्ट कहती है कि शहरों में एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी तोंद की समस्या 53.6% लोगों को यानी हर दूसरे व्यक्ति को है, वहीं गांवों में यह 18.8% लोगों की समस्या है। बात जब ओवरवेट और ओबेसिटी यानी मोटापे की आती है तो उसमें भी शहर 31.4% और 12.5%, गांवों में 16.6% और 4.9% से आगे है। ICMR NIN की रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों का आदर्श वजन अब 60 किलो नहीं बल्कि 65 किलो है। इसी तरह महिलाओं का आदर्श वजन 50 नहीं बल्कि 55 किलो हो गया है। 2010 में जो सिफारिशें की गई थी उसमें 5 किलो वजन बढ़ाया गया है। भारतीय पुरुषों का आदर्श कद 5.6 फीट यानी कि 171 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 5.8 फीट यानी कि 177 सेंटीमीटर हो गया है। महिलाओं का आदर्श कद भी 5 फीट 152 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 5.3 फीट 162 सेंटीमीटर किया गया है। इससे बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला भी बदल सकता है। रिपोर्ट में माई प्लेट की सिफारिश की गई है। आपकी थाली में फूड्स का सही अनुपात क्या होना चाहिए यह बताया है। इससे इम्यून फंक्शन मजबूत होगा। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर, आर्थराइटिस आदि बीमारियों से बचा भी जा सकता है। रिपोर्ट कहती है कि शहरों में क्रॉनिक एनर्जी डिफिशियंसी 9.3% थी जबकि गांवों में यह 35.4% थी। इसका मतलब है कि गांवों में रहने वाला हर तीसरा व्यक्ति खान पान से जुड़े किसी न किसी विकार से जूझ रहा है। शरीर को एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने लायक खाना उन्हें नहीं मिल पा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि शहरों में लोग हर दिन 1943 किलो कैलोरी ले रहे हैं जो 289 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 51.6 ग्राम फैट्स, 55.4 ग्राम प्रोटीन से आ रही है। वहीं ग्रामीण इलाकों में लोग 2081 किलो कैलोरी ले रहे हैं या 368 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 36 ग्राम फैट्स और 69 ग्राम प्रोटीन से आ रही है। फूड ग्रुप्स देखें तो शहरों में 998 किलो कैलोरी अनाज से, 265 किलो कैलोरी फैट से और 119 किलो कैलोरी दालों फलियों से आती है। वहीं गांवों में एनर्जी सोर्स के तौर पर अनाजों की भागीदारी 1358 किलो कैलोरी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद फैट्स 145, दाल व फलियां 144 आती है। रिपोर्ट कहती है कि 66% प्रोटीन का सोर्स दालें, फलियां, नट्स, दूध, मांस होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। फल और सब्जियां कम खाने से डायबिटीज़ और दूध व दूध के प्रोडक्ट्स कम खाने से हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ता है। ICMR के हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के मुताबिक अनाज आपकी 45% एनर्जी का सोर्स होना चाहिए। हकीकत यह है कि शहरों में 51% और गाँवों में 65.2% एनर्जी सोर्स के तौर पर अनाज का सेवन हो रहा है। एनर्जी सोर्स के तौर पर मछली, मांस और अंडे का मुख्य योगदान है जिसमें मछली डाइट में होना चाहिए। गाँवों में 8.7% और शहरों में 14.3% आबादी ही दूध और दूध के प्रोडक्ट्स का सही मात्रा में सेवन करती है। रिपोर्ट में माई प्लेट के नाम से बताया गया है कि आपके लिए आदर्श थाली क्या होगी, जहां से आपको पर्याप्त एनर्जी मिले और वह बैलेंस डाइट कहलाए। इसके लिए आपकी 65% कैलोरी या एनर्जी का सोर्स अनाज, मांस, मछली, अंडा होना चाहिए। 17% कैलोरी एनर्जी दालों और फ्लैश फूड्स और 10% कैलोरी एनर्जी दूध और दूध के प्रोडक्ट से मिलना चाहिए। फैट इंटेक 30% या उससे कम होना चाहिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC News Wire का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC Wire का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।